तो यार HBO Max के ख्वाब देखते देखते हम ये तो भूल ही गए कि पैरामाउंट की भी एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, पैरामाउंट प्लस, जो कि इंडिया में तो नहीं है लेकिन इंडिया में वूट जरूर है। और तो पैरामाउंट प्लस ना होने के बावजूद भी इंडिया में काफी सारे शोस वूट पर अवेलेबल हैं पैरामाउंट प्लस के, लेकिन उनमें से कई सारे शोस ऐसे हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है और उसके लिए पैरामाउंट प्लस का इंडिया में होना जरूरी है। और यार मजा तो तभी आएगा जब स्ट्रीमिंग सर्विस इंडिया में होगी। तो बस इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पैरामाउंट प्लस का इंडिया में क्या सीन है, और मैं बताऊं सीन बहुत ब्राइट है, HBO Max से तो ज्यादा ही ब्राइट है। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आप देख रहे हैं। तो यार इंडिया में सबसे पहले वियोकॉम 18 यही है करता धरता पैरामाउंट का। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है पैरामाउंट के सारे चैनल्स और मूवीज इंडिया में वियोकॉम 18 संभालता है, क्योंकि वियोकॉम 18 एक जॉइंट वेंचर है पैरामाउंट ग्लोबल और नेटवर्क 18 के बीच में। आप इसको ऐसे समझो जैसे कि स्टार है जिसमें डिज्नी के भी राइट्स हैं, फॉक्स के भी राइट्स हैं, लेकिन कंट्रोल डिज्नी करता है, वैसे ही यहां पर सीन है। वियोकॉम 18 को पैरामाउंट कंट्रोल करता है 49% शेयर स्टेक के साथ, और वहीं पर नेटवर्क 18 वियोकॉम 18 को कंट्रोल करता है 51% स्टेक के साथ। इसका मतलब नेटवर्क 18 ही कंट्रोल करता है वियोकॉम 18 को। और पता है नेटवर्क 18 को कौन ऑन करता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी 75% स्टेक के साथ, यानी अंबानी जी कंट्रोल करते हैं पूरे पैरामाउंट को इंडिया में। अब जरा काम की बात पे आए तो 9 मई 2022 को पैरामाउंट ग्लोबल ने अनाउंस किया कि पैरामाउंट प्लस को जल्दी मतलब 2023 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। पैरामाउंट ग्लोबल के सीईओ बॉब बकिश ने ये अनाउंसमेंट की थी ये कहते हुए कि इंडिया का मार्केट काफी सेक्सी है, मतलब जहां पे यार 150 करोड़ लोग रह रहे हैं कोई ना कोई तो इंटरेस्टेड होगा ही। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पैरामाउंट प्लस इंडिया में आएगा कैसे, क्या उसका मर्जर होगा वूट के साथ जो कि ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, जैसे कि हॉटस्टार था डिज्नी प्लस के लिए। लेकिन इसी पे वूट की मैनेजर ने कहा था पैरामाउंट इंटरेस्टेड है एंड वो इंप्रेस है वूट की परफॉर्मेंस से, लेकिन उनको ये सीन नहीं पता कि मर्जर होगा कि नहीं होगा। अब मैं वूट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इंडिया में 10 लाख एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं वूट के, और वहीं पर 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं वूट के इंडिया में। तो भैया जनता तो भारी है, और अगले साल से आईपीएल भी होगा तो नंबर ऊपर ही जाने वाले हैं। तो यार पैरामाउंट को इंडिया में एक अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, जो कि डिज्नी ने बखूबी किया था हॉटस्टार के साथ। डिज्नी प्लस हॉटस्टार मार्वल्स और स्टार वॉर्स की वजह से पॉपुलर नहीं है, वो पॉपुलर है अनुपमा की वजह से, वो पॉपुलर है आईपीएल की वजह से, वो पॉपुलर है क्रिकेट जो दुनिया फलान का कंटेंट की वजह से, जो कि पैरामाउंट प्लस बिना वूट के इंडिया में कभी नहीं दे पाएगा। तो देखो ये सिली लग रहा है और कॉपी भी लगेगा, लेकिन उनको यही करना चाहिए, स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च करो इंडिया में पैरामाउंट प्लस वूट के नाम से। इसका यह है कि वूट पे जो लोग अपना नागिन वगैरह या जो भी कंटेंट है पहले से देख रहे हैं उनको पता चलता रहेगा कि वूट अभी भी एग्जिस्ट करता है, और बल्कि पैरामाउंट प्लस को एक पुश मिलेगा कि अब पैरामाउंट प्लस के साथ वूट मिलेगा। और वहीं पे जो मेरे जैसे हॉलीवुड कंटेंट लवर हैं उनको पैरामाउंट प्लस का भी सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा इंडिया में, और जो सक्सेस होगी वो बेसिकली पैरामाउंट प्लस को ही मिलेगी। चलो ये तो क्लियर हो गया जी कि मर्जर करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? बिकॉज हियर कम द इंटरेस्टिंग पार्ट, जियो सिनेमा और वूट मर्ज होने वाले हैं, क्योंकि रिलायंस ने अपनी इच्छा जताई थी कि भैया जियो सिनेमा को मर्ज कर दो वूट के साथ, और ऐसा होने वाला है। और पता है ये कब होने वाला है? अक्टूबर 2022, यानी कि अगले ही महीने। और आपको बता दूं कि रिलायंस ट्राई कर रहा है कि वो वियोकॉम 18 से पैरामाउंट को हटा ही दे, इसलिए साल 2020 में सोनी के साथ मर्जर करने की कोशिश की थी वियोकॉम 18 ने, लेकिन रिलायंस ने बोला शादी पेंसिल कैंसिल। और फिर 2021 में वियोकॉम 18 ने ट्राई किया कि वो जी के साथ मर्ज हो जाए, देख रहे हो इतने डेस्परेट थे ये मर्जर के लिए, लेकिन रिलायंस ने फिर वहीं पे कैंसिल करवा दी। लेकिन रिलायंस के साथ डील करके एक बोधि ट्री प्लान नाम की कंपनी $1.8 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है वियोकॉम 18 में, और रिलायंस कर रहा है $216 मिलियन, और वहीं पे पैरामाउंट कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अभी पीछे में मैं जो भी भोका उसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि पैरामाउंट प्लस शायद वूट के साथ मर्ज ना हो। अगर रिलायंस ने पूरा कंट्रोल बना लिया वियोकॉम 18 पे और पैरामाउंट का कंट्रोल थोड़ा सा रह गया तो वूट को वो जियो सिनेमा के साथ मर्ज कर देंगे और पैरामाउंट प्लस के हाथ में आएगा घंटा। लेकिन एक और रास्ता है, अगर तीनों कंपनी सहमति बना के चलती हैं तो वियोकॉम 18 के पास एक स्ट्रीमिंग जायंट है पैरामाउंट प्लस वूट और जियो सिनेमा, और काफी रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि शायद वियोकॉम 18 पैरामाउंट प्लस वूट और जियो सिनेमा तीनों को मर्ज करके एक जायंट स्ट्रीमिंग सर्विस बनाए, जो कि भैया सेंस करती है और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि यूरोप में स्काई शो टाइम, यूनिवर्सल, पैरामाउंट शो टाइम, पैरामाउंट प्लस, पीकॉक, स्काई, ये सब मिलके एक जायंट स्ट्रीमिंग सर्विस बना रहे हैं यूरोप में।
तो बस यार ये था कुल मिला के सारे चांसेस पैरामाउंट प्लस के इंडिया में आने के। और आपको क्या सही लगता है, क्या पैरामाउंट को वूट के साथ मर्ज हो जाना चाहिए या फिर पैरामाउंट प्लस, वूट और जियो सिनेमा को एक साथ मर्ज होकर एक जॉइंट स्ट्रीमिंग सर्विस बनानी चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टाग्राम पेज हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को, फॉलो कर लो। ऐसे ही जो वीडियो देखी ना इससे रिलेटेड ही, हॉलीवुड से रिलेटेड ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मजा ही मजा आ जाएगा जिंदगी में, और शेयर कर दोगे तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। नई वीडियोस जल्द।